नहीं, हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं था। देखिए, सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी का बिल्कुल हम इसमें 1% भी हम कभी भी इसके खिलाफ नहीं रहे। सेलेक्ट कमेटी भी जाती है, GST हमने भेजा सेलेक्ट कमेटी में। उसके अलावा जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का इशू था, वो भी सेलेक्ट कमेटी में गया। मोटर व्हीकल एक्ट है, वो भी सेलेक्ट, बहुत सी सेलेक्ट कमेटी में जाते रहते हैं। पार्टी होती है तो वो एक पहले पार्लियामेंट के अंदर बताती है, आप पार्लियामेंट आप लोग कवर करते हैं, बताती है कि भाई हमें ये रिजर्वेशन है। आप एक ही रिजर्वेशन बता रहे हो कि हस्बैंड को आप जेल क्यों भेज रहे हो, जेल जाएगा तो वो उसको जो है वो कंपनसेशन कौन देगा। आखिर इस पूरे बवंडर में बिल तो देर हो गया, अब अगले से सत्र में ही होगा, तो सेलेक्ट कमेटी भेज देते भाई। देर तो हो ही रहा, चार लोग और दिमाग लगा लेते, हो सकता कुछ और भी अच्छे और भी कड़े प्रावधान कोई सजेस्ट कर देता। हम कह रहे हैं कि जो भी प्रावधान सजेस्ट करना है अभी आएगा, बहुत देर नहीं है ना। कोई अभी ऐसा तो नहीं है कि पार्लियामेंट का सेशन 6 महीने बाद होने वाला था इसलिए जो है वो बहुत देर हो गई है। तो हम एक चीज हम बता दें, देर हुई अंधेर नहीं होगी। नहीं, लेकिन सारा सबको इशू है जो इसको कॉग्निजेबल बनाया है। कॉग्निजेबल एक मतलब क्राइम अगेंस्ट स्टेट भी हो गया, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी भी जा करके उसमें केस फाइल कर सकता है। जनरली नॉन कॉग्निजेबल रहता तो भाई मियां बीवी में ही आदमी गया और कंप्लेन किया। वुडंट दैट बी अ बेटर सेफगार्ड देन कि कोई भी आदमी। आपने सती प्रथा का देखा है कानून? सती प्रथा में इससे ज्यादा कड़े कानूनी प्रोविजंस हैं। वो भी जो है जब उस वक्त सती प्रथा को लेकर के एक मुहिम चलाई थी राजा राम मोहन राय ने, तो उस वक्त जो है वो तमाम लोगों ने कहा ये मज़हब से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है, इसमें कौन होती है सरकार या कोई इंटरवीन करने वाली। उन्होंने तमाम प्रीवी काउंसिल में लिख करके दे दिया था कि साहब इसको जो है रिजेक्ट किया जाए। लेकिन वहाँ पर कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने उस बार जो उस समय जो राजा राम मोहन राय जी ने और उस पूरी टीम ने उस वक्त मुहिम चलाई थी उसको सपोर्ट किया और सती प्रथा बंद हो गई और वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। ऐसे ही जो है वो बाल विवाह, तो ये सारी चीज़ें ऐसा है ना कि ये कोई मज़हब से जुड़ा हुआ नहीं है, ये शुद्ध रूप से कुरीति और कुप्रथा से जुड़ा हुआ सवाल है। और जब सारे इस्लामिक कंट्रीज़ ने इसको जो है वो ख़त्म बंद भी कर दिया, इसको जो है वो एंटी इस्लामिक क्राइम सारा कुछ घोषित कर दिया, तो उसके बाद इंडिया में क्या प्रॉब्लम है इसको? सर, यू आर इक्वेटिंग किलिंग अ पर्सन विद अबैंडनिंग वन्स वाइफ, व्हिच आर वेरी टू वेरी डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्राइम, टू डिफरेंट वेरी डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्शन। सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, व्हाई? बिकॉज़ आप अबैंडन कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक करके कर रहे हैं और बीवी को मार रहे हैं, तो आप मतलब आप देख लीजिए डाउरी का भी इट्स अ वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ, बट द पॉइंट इज दैट दे आर टू वेरी डिफरेंट क्राइम्स। बहुत हीनियस क्राइम है। कोई भी आदमी जो है वो दूर से कह दिया उसने तलाक 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 हो गया, वो बेचारी कहाँ जाएगी? उसके ऊपर तमगा भी लग गया कि वो मैरिड भी है और उसके बाद जो है वो तलाकशुदा भी है, जाए तो जाए कहाँ? तो इसलिए जो है वो इसको हम लगता है कि पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं देखना के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, पार्लियामेंट हमारी सबसे बड़ा मंदिर है और हमें जो है वो उस न्याय दिलाना चाहिए। आप तो मुस्लिम महिलाओं का अपीजमेंट कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई किसी का अपीजमेंट नहीं है। एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट इज अवर मंत्रा। लेकिन है तो अपीजमेंट ही कर रहे हैं। कोई अपीजमेंट नहीं है, ये तो हम उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिला रहे हैं जो कि पहले दे देना चाहिए था।